चीन में उत्पन्न हुए वुहान वायरस के कारण जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बस अब चीन की दादागिरी और नहीं चलेगी। इन्हीं में से एक देश है ताइवान, जिसने चीन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और अब उसके समर्थन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी सामने आया है। आज चीन के बर्बर शासन के विरुद्ध ताइवान एक उम्मीद की किरण के तौर पर उभरा है। परंतु क्या विश्व का ताइवान के प्रति यह व्यवहार शुरू से ही ऐसा था? शायद नहीं। और कुछ वर्षों पहले तक तो दुनिया के बड़े बड़े देश यह मानने को तैयार नहीं थे कि ताइवान जैसा कोई देश भी है। परंतु ये भेदभाव कहाँ से शुरू हुआ? इसके लिए हमें जाना होगा 1949 में, जब माओ के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तख्ता पलट किया था। तब चीन एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, जिसे कम्युनिस्ट शासन के आगमन के कारण ताइवान द्वीप पर स्थानांतरित होना पड़ा। 1955 तक कम्युनिस्ट चीन को कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी, जबकि ताइवान में स्थित चीनी गणराज्य को वास्तविक चीन माना जाता था। पर कम्युनिज्म के बढ़ते प्रभाव के साथ न केवल चीन का ओहदा बढ़ा, अपितु ताइवान का वैश्विक राजनीति पर प्रभाव भी कम पड़ा। 21वीं सदी आते आते चीन ने अपना प्रोपेगेंडा ऐसा फैला दिया कि लोग ताइवान को चीनी ताइपे के नाम से संबोधित करने लगे थे और ताइवान को ओलंपिक खेलों में अपना झंडा फहराने तक की अनुमति नहीं थी। आज जो अमेरिका ताइवान के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए है, कल तक वह WHO में ताइवान के प्रवेश करने में चीन द्वारा रोड़े अटकाए जाने पर आंखें मूंदे बैठा था। जब ताइवान विश्व भर को वुहान वायरस के बारे में अवगत करा रहा था और चीन की भूमिका के बारे में भी दुनिया को आगाह कर रहा था, तो WHO के साथ साथ अमेरिका और बाकी देश भी आंखें मूंदे बैठे थे, मानो कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। हालांकि अब पासा पलट गया है और अब ताइवान जो कहता है उसे पूरी दुनिया को सुनना पड़ रहा है। वुहान वायरस से निपटने के मामले में ताइवान ने एक मिसाल पेश की है, जहां इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे देशों में त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां ताइवान से आज तक मात्र 440 मामले निकले हैं, जिसमें से सिर्फ 7 लोग इस बीमारी की भेंट चढ़ गए और 380 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के समय में ताइवान ने हर वो चीज की है जिससे चीन और WHO का पारा चढ़ जाए। कोरोना फैलाने के बाद चीन ने PR को और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए मास्क डिप्लोमेसी की और अन्य देशों को मास्क, वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल सामान देने लगा। अपने PR के लिए चीन फेक न्यूज तक फैलाने से पीछे नहीं रहा और फेक अकाउंट से अपनी पीठ थपथपाता रहा। लेकिन कुछ ही दिनों में चीन के PR की पोल खुल गई। कई देशों ने चीन से मिले खराब क्वालिटी के मास्क और टेस्टिंग किट भी लौटा दिए। हालांकि बाद में यह भी खुलासा हुआ कि चीन जिन देशों को मेडिकल सुविधा दे रहा था उनसे या तो पैसे वसूल रहा था या फिर अपनी कंपनियों जैसे वावे के लिए रास्ता बना रहा था। इसके बाद ताइवान ने देखा कि यहाँ भी उसके पास अच्छा मौका है, तो उसने 10 मिलियन मास्क दान में देकर अन्य देशों की मदद करने का ऐलान कर दिया। इससे चीन की मास्क डिप्लोमेसी को तगड़ा झटका लगा और सभी देश ताइवान की वाहवाही करने लगे। ताइवान के विदेश मंत्रालय के अनुसार एक दिन में 13 मिलियन फेस मास्क का उत्पादन करने की क्षमता के साथ ताइवान यूरोप को 7 मिलियन मास्क दान कर रहा है, जिसमें इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और UK है, और साथ ही अमेरिका के भी 2 मिलियन मास्क शामिल हैं। इस मदद के बाद यूरोपीय यूनियन सहित कई देशों ने ताइवान की खूब तारीफ की। ताइवान ने अपने प्रतिकूल वातावरण में चीन के दबाव को सहकर जिस प्रकार कोरोना से टक्कर ली है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक तरह से देखा जाए तो कोरोना ताइवान के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस देश को विश्व भर के देश से मान्यता मिल रही है वो कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसके साथ ही उन देशों को भी ताइवान से वर्षों के भेदभाव के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, जिनके मौन रहने के कारण न केवल ताइवान का अपमान होता रहा अपितु वुहान वायरस के प्रकोप से भी संसार को आज जूझना पड़ रहा है।